रिकॉर्डिंग कर दीजिए। हाँ मैंने कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर नंबर है 2। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन की कुछ भी वैल्यू दे रखी है, जैसे हमने ये कहा कि मान लीजिए फंक्शन है fx = 2x + 3, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है fx = 2x + 3। अब हमसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए कि 2 से जरा सा पहले इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 2 से जरा सा बाद में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, और एग्जैक्टली 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा कि 2 से जरा सा बाद जो है इसको हम बोल देते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर याद हो तो, और 2 के जरा सा बाद में इसको हम क्या बोल देते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट। और एग्जैक्टली अगर ये फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू है एग्जैक्टली, अगर मुझे 2 पॉइंट पर निकालनी है तो इसको हम बोल देंगे F2, इसको हम बोलेंगे F2। तो हम ये कहेंगे कि अगर वैल्यू 2 से मामूली सी कम हो गई तब अगर फंक्शन की वैल्यू निकालें, अगर एफ फंक्शन की वैल्यू, आपकी वॉइस अटक रही है, क्या चीज, वीडियो आपकी फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, पता नहीं, इधर तो मैं देख रहा हूँ तो ठीक चल रही है, मेरे में भी नहीं, मेरे में तो नहीं। चलिए जो भी है, क्या बताऊंगा, जिस दिन सही चल रही है, जिस दिन ट्वेल्थ, हाँ सर सही है, उस दिन बारिश का मौसम हो जाता है, बारिश का मौसम हो रखा है, फिर से मुझे बार बार ये लग रहा है फिर से लाइट में चली जाए। चलिए देखिए, हमने ये कहा कि अगर मैं 2 पर वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 2 के जरा सा पहले अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम है तब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं, कुछ वैल्यू आएगी फिर उसकी। अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है तब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं, और अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है तब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं, और ये और ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम ये बोलेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली एक जैसा ही बिहेव कर रहा है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। तो हमने अगर 2 पर चेक करा तो 2 से जरा सा पहले, 2 से जरा सा बाद में, और एग्जैक्टली 2 पर फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, तो हम ये बोलेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल एक तरह से बिहेव कर रहा है, चेंज नहीं हो। ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन लिखिएगा सर, समझा नहीं, तीनों इक्वल होने चाहिए ना, तीनों इक्वल होने चाहिए। याद करिएगा जो 11th क्लास में करा था उसमें हमारे पास था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती थी तो हम ये बोल देते थे कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है, हम ऐसा ही बोलते थे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल आएंगे, तीनों इक्वल आएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इट इज बिहेविंग कॉन्टिन्यूअसली। तो अच्छा, तीनों इक्वल आने चाहिए, ये तीनों इक्वल आने चाहिए, बस ये फंडा है। वैसे